उसको निकालो, आप निकालो, देखो उसको, इधर देखो, निकालो उसको, ठीक है, अब निकालो कहाँ से कहाँ है सर, देखो ये सब सही है, दिखाना कहाँ है, ये देखो सर जी, ये सब डिवाइस है, ये देखा आपने लड़के का जुगाड़, कानों से निकला ब्लूटूथ डिवाइस और ये रहा एटीएम। दिखने में ये एटीएम कार्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इस कार्ड में लगा है माइक, जो एक चिप के जरिए इस कार्ड में फिट कर दिया गया है। इतने जुगाड़ के बाद आराम से साहबजादे एग्जाम दे रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस की नजरों से ये बच नहीं पाए। उसको निकालो, आप निकालो, देखो उसको, इधर देखो, निकालो उसको, ठीक है, निकालो कहाँ से कहाँ है सर, देखो ये सब सही है, दिखाना कहाँ है, ये देखो सर जी, ये सब डिवाइस है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने राज्य के अलग अलग जिलों में सॉल्वर गैंग के लोगों की धरपकड़ की है। इस मामले में अब तक एसटीएफ ने 21 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं कानों में ब्लूटूथ लगाकर लेखपाल परीक्षा दिए जाने के इस तरीके के कई वीडियो भी सामने आए हैं। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बागपत के छपरौली में छापेमारी की। वहीं प्रयागराज यूनिट ने 1,00,000 में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा पास कराने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सॉल्वर ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहे थे। ये ब्लूटूथ डिवाइस इन लोगों को नकल कराने के लिए दिया गया था। ये डिवाइस इतना छोटा था कि कान में लगाने के बाद नज़र ही नहीं आता था। डिवाइस का माइक एटीएम कार्ड जैसी चिप में लगा था। इस कार्ड को बनियाइन में गले के नीचे रखा गया था ताकि किसी को पता ना चल पाए। फिलहाल यूपी के कई इलाकों से ऐसे फ्रॉड सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस केस में आगे की जाँच कर रही है।